हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने अपने लिए यूज़ किया है, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली, शायद वो आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अचार हम लोग सभी खाते हैं और डाइनिंग टेबल पर हम दो तरह का अचार हमें रखना होता है, एक नमकीन और एक मीठा। तो इस तरह के जार आप खरीद लें, छोटे छोटे, देखने में भी कितने क्यूट लग रहे हैं। और एक जो पुराना जो टिफिन बॉक्स है इस तरह का, इसमें आप इस तरह से इसे रख लें। और ये जो है, ये एक छोटा सा ये टिफिन बॉक्स है मेरे बेटे का, तो टिफिन बॉक्स खराब हो चुका था तो मैंने उस टिफिन बॉक्स को इस तरह से इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं। और एक में नमकीन और एक में मीठा अचार रख लें, जिससे आपको खाते वक्त बार बार अचार लेने के लिए उठना ना पड़े। और मैं सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि आप जब अचार निकालें तो आप इस तरह का डिन जो चम्मच है वो इस्तेमाल करें, और इस चम्मच को आप इसके साथ ही इस तरह से रखें ताकि आपको जब भी अचार निकालना हो ये चम्मच आपको मिल जाए। अचार निकालने के लिए दोस्तों आप मेटालिक चम्मच बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। चटनी तो हम सभी खाते हैं दोस्तों, और चटनी जो है जायका खाने का और बढ़ा देता है। दो तरह के चटनी बना के रखना चाहिए, एक मीठी और एक नमकीन। तो जो मीठी चटनी है और नमकीन चटनी है, दोनों को इस तरह से आप छोटे से ट्रे के अंदर डालकर रख लें और इसे डाइनिंग टेबल पर रखें, और खाना ख़त्म हो जाने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दें। और ये देखिए, ये जो नमकीन और मीठी चटनी है उसे भी मैंने एक छोटे से टिफिन बॉक्स के अंदर इस तरह से रखा है, और इजीली इसको मूव कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो है, ये आप सब देख रहे होंगे, ये नींबू निचोड़ने वाला होता है, वो ये स्क्वीज़र है, लेमन स्क्वीज़र है। ये एक्चुअली टूट गया है तो मैंने इसे फेंका नहीं है। आप इसे एक सेपरेटर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो होल्स दिख रहे हैं, आप इसमें से ब्लेड से दो चार होल्स को बड़े कर लें, और एल्ब्यूमिन जो आपको अगर सेपरेट करना हो तो आप इसके अंदर एक फोड़ कर डाल दें, और नीचे से जो वाइट वाला पोर्शन है वो निकल आएगा और येलो वाला पोर्शन इसमें रह जाएगा। तो ये जो टूटा हुआ भाग है आप एक सेपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो फिश खाते हैं मैं उनके लिए ये टिप है। और तो छोटी मछली होती है उसे साफ़ करना पड़ता है, उसके पेट से जो इंटेस्टाइन है उसको निकालना पड़ता है, तो वो निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये जो है छोटी सी इंस्ट्रूमेंट वो मैंने बनाया है। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, इस तरह का छोटा चम्मच है जो कि 2-3 रुपये में बाज़ार में मिलता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसको यहाँ से आप तोड़ लें और उसे इस तरह से बेंड कर लें, और अगर आपका कोई प्लास्टिक का टुकड़ा आपके पास हो, मेरे पास वो स्क्वीज़र का ही टूटा हुआ पीस था, तो मैंने ये जो निचला वाला हिस्सा है इसे गर्म करके इसके अंदर डाल दिया तो ये हैंडल की तरह बन गया है। गले के नीचे फिश के एक कट कर लें और उस कट से इसके अंदर ये डालकर आप जो है उसके इंटेस्टाइन को बड़े ईजिली साफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी DIY है। तो ये बॉटल का एक सामने वाला पीस है और इसे इस ढंग से बनाया है मैंने। आप ये इसे इस तरह से पहन लें, इस तरह से पहन लें उंगलियों में, और इस तरह से सब्जी पकड़कर आप इस तरह से इसको कट कर सकती हैं, इस तरह से कट कर सकती हैं। तो इससे आपके इस तरह से कट करने से आपकी उंगलियां जो हैं वो हर्ट नहीं होंगी और कोई कट नहीं होगा, और आपकी उंगलियां जो प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो ये भी एक DIY प्रोजेक्ट है। ये है फिंगर प्रोटेक्टर जो मैंने खुद से बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप इसे कैसे बनाया है ये जानना चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरे जो ट्रिक्स हैं टिप्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। आप ज़रूर इसे अपने हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल करें, बहुत यूज़फुल है। और हर चीज़ जब टूट जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। हम अगर आइडिया
करें तो हमें उस चीज़ की यूटिलिटी, कुछ ना कुछ टूटी हुई चीज़ों की यूटिलिटी ज़रूर मिल जाती है।